अर्जुन, तुमने बेटों की तरह मेरा दायां हाथ बनकर जैसे मेरी जायदाद और कारोबार को संभाला, उस पर मुझे फख्र है। मेरे बाद इस सारे कारोबार का मालिक मेरी बेटी रश्मि का मंगेतर अमित है। मुझे उम्मीद है जिस तरह तुमने मेरे साथ वफादारी की, उसी तरह अपने नए मालिक से भी वफादार रहोगे। मेरे बाद इस सारे कारोबार का मालिक अमित है। सारे कारोबार का मालिक अमित है। शराब पीकर चलते हो रास्ते पर? ना शराब पी है, ना मदहोश हूं, आंखें खुली हैं, जी होश हूं। क्या बदतमीजी है, ये हरकत क्यों की तुमने? एक मिनट, राम अवतार निकाल माल। राम अवतार का पानी उतार दिया, अब कहते हैं माल निकाल। हमारी किस्मत तो गोबर के कागज पर कोलसे से लिखी हुई है। इनको किसने कहा था उतरने? बुरा मत मानिएगा, मेरी इससे एक शर्त लगी थी। ऐसी शर्त? यही क्या है, रोज आप इस शानदार गाड़ी में आते हैं, गुजर जाते हैं, कभी किसी ने इस मोहल्ले में आपको पैदल चलते हुए नहीं देखा। मैंने इससे कहा कि मैं आपकी गाड़ी रोकूंगा, आप उस गाड़ी से उतरेंगे और चल कर मेरे पास आएंगे। बस यही शर्त थी और रिजल्ट आपने देख लिया। फर्ज करो मैं ठीक वक्त पर ब्रेक नहीं लगाता तो? नामुमकिन है, मैं आपकी रफ्तार अच्छी तरह जानता हूँ। आप गाड़ी बहुत संभाल कर चलाते हैं। दो बार आपकी गाड़ी के सामने कुत्ते आए, आपने कुत्तों को बचा लिया। फिर मैं तो इंसान हूँ। वंडरफुल, नाइस बिट ऑफ एक्टिंग, जवाब नहीं तुम्हारा। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, इज्जत का भाजी पाला कर दिया, पैसे का कबाड़ा कर दिया, अब कहते हैं फिर मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं है मिलने की। चश्मस क्या है माँ? तेरे पिताजी के लिए ये चाय लेना।
तू ही जाकर दे दे, मैं वहां नहीं जाती। मैं कह रही हूँ ना, चले जा। ठीक है जाके, लेकिन मुझे कुछ कह देंगे मैं भी उल्टा सीधा जवाब दे दूंगी। हाँ, लोगों को मुफ्त में तमाशा देखने का मौका मिल जाएगा। चाय? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तुम लोगों को मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं। आधे घंटे से चाय के लिए चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? रात भर शराब मत पीजिए, सर में दर्द नहीं होगा। पूनम, अरे आज का अखबार नहीं पढ़ा तो जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा। अरे सब डिग्रियां बेकार हैं। इतनी गर्म खबर नहीं पढ़ी राजा, हद हो गई। विलायत में एक लड़के ने एक लड़की को 36 घंटे तक किस करके वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। का करके? किसी करके। चुम्मन? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात, यहाँ ले आओ, सारी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाँ पान वाला है, सिगरेट? साहब डब्बे खाली, आपका सिगरेट नहीं है। बोकुड़ छाप बीड़ी चलेगी क्या? बकता है? बक नहीं रहे हैं साहब, ठीक कह रहे हैं। बोकुड़ छाप बीड़ी पीने से दिमाग ठिकाने आ जाता है, आंखों की रोशनी तेज हो जाती है और घूर घूर के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? चब्बे, क्या राजा, क्या हाल है? वही हड्डी वही खाल है। तेरी जगह कोई और होता तो सर के बल चले आता। भाई मेरे, सूखी घास खाकर जिस घोड़े का काम चल जाता है उसे जाफरान खिलाने से क्या फायदा? बेचारे को बदहजमी हो जाएगी, और फिर जाफरान हजम करने के लिए बड़ा सख्त पेट चाहिए जैसे कि तेरा है। राजा, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे भले के लिए सोचता हूँ, लेकिन तू अनाड़ी है, बिल्कुल अनाड़ी। हाँ राजा बाबू, यह साला दाढ़ी तुमको अनाड़ी अनाड़ी कहता है। पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक तुम्हारी नकल मार मार कर पास हुआ, अब यह साला तुमको अनाड़ी कहता है। ठीक है यार, हम तो एक अनाड़ी आई, वो है एक खिलाड़ी। उसके धंधे काले, हम राजा दिल वाले। हम तो एक अनाड़ी, वो है एक खिलाड़ी। उसके धंधे काले, हम राजा दिल वाले। किसका कर्तव्य क्या है, हमको मतलब क्या है? नहीं है किसकी मोटर, किसका छकड़ा चूना? कौन रुका है बम्बई, कौन गया है पूना? तो देखो अपना कत्था चूना, काहे अपनी जान जलाओ? छोड़ो यार पान लगाओ, अरे छोड़ो यार पान लगाओ। देखो अपना कत्था चूना, काहे अपनी जान जलाओ? दुश्मनी है अच्छी न इनकी यारी, ये काले व्यापारी नाग है ये अलबेले, वो ही जान गवाए संग जो इनके खेले। अरे ससुर हमको तुमको हंसना जीना, आओ अपनी खैर मनाओ। छोड़ो यार पान लगाओ, बला है जादू
सभी पे डाले, ऐसा जो गुदगुदाए हंसते ये हुस्न वाले। कीमत क्या है दिल की सबको चले समझाने, मिलते हैं दुनिया में हमसे कहां दीवाने। अरे प्यार तो ऐसा भूली दुनिया, बस आहें भर के रह जाओ। छोड़ो यार पान लगाओ, अरे छोड़ो यार पान लगाओ। इनसे तो हम भले हैं, इन जैसे नहीं जो बनते। मानो अगर हमारी तो दुश्मन ये है वतन के। बरसे इन पे दौलत पत्थर हम पे बरसे, ये तो पहले रेशम हम खद्दर को तरसे। अरे राजनीत की बातें सुन के पुलिस न धर ले चुप हो जाओ। छोड़ो यार पान लगाओ, अरे छोड़ो यार ये हो पान लगाओ। वहां सब मजदूर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कर ना दो, आपने सबका ठेका ले रखा है क्या? ये हड़ताल क्या हुई, खाना पीना सब कुछ भूल चुके हैं। अरे पगली, तुम लोग खा लेते हो तो मेरा पेट खुद ही भर जाता है। हाँ 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 हाँ, हम लोग खा लेते हैं और आपका पेट भर जाता है। सुबह से कोई मिला नहीं आपको? नहीं, खाना बनाना में कितनी देर कर दी। ए लक्ष्मी, तू दिन भर करती क्या रहती है? नौटंकी, मोहल्ले वालों का दिल बहलाती। ए छापर दूंगा। भैया शादी करके अब इसे यहाँ से चलता करो। वीरेन। हाँ माँ। तेरी हड़ताल को 10 दिन हो गए ना? हाँ। अब तक कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं माँ। कब होगा? पता नहीं। तू तो उनका लीडर है, तुझे पता नहीं? नहीं मां, हमें कोई लीडर नहीं, हम तो मामूली मजदूर हैं, सिपाहियों की तरह अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। पर कब तक चलेगी ये लड़ाई? लड़ाई का कोई टाइम टेबल तो होता नहीं है। तो क्यों चिंता करती है? अरे भगवान ने तुझे दो दो बेटे दिए हैं। जब तक तेरी तुलसी के नीचे दिया जलता रहेगा, दुख तेरे आंचल को छू नहीं सकता। पूनम जी, अरे क्या बात है, आप भाग क्यों रही हैं? दो गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। गुंडे? हाँ। कहाँ? ये कहाँ से आ गए? तुझसे पहले ही कहा था टैक्सी पकड़ ले। खाम खाम। सुनो 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 सुनो, आप लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं ना, इससे अच्छी एक्टिंग तो मेरे चेले कर लेते हैं। हमने क्या किया साहब, वो तो इसकी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे थे हम लोग। हाँ साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ की तबीयत खराब थी इसलिए बहन को छेड़ रहे हो? शुक्रिया। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं पिक्चर देखने गई थी। अकेले? जी नहीं, मेरे साथ एक सहेली भी थी, उसके जाते ही ये दो गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। इन बेचारों का भी क्या कसूर है, ये तो गुंडे हैं। अगर आप मुल्लाओं और पंडितों के सामने से गुजर जाती ना, तो वो भी मस्जिद मंदिर छोड़ के आपके पीछे पड़ जाते। आप कहाँ से आ रहे हैं? हाँ? यकीन मानिए मैं मस्जिद मंदिर से नहीं आ रहा हूँ, दरअसल मैं एक लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। वहाँ एक किताब में बड़े काम की बात पड़ी कि अगर एक लड़के लड़की में अचानक रात को मुलाकात हो जाए और सुबह लड़की अपनी खिड़की के बाहर एक सफ़ेद रुमाल लटका दे, तो उसका मतलब ये होता है कि लड़की लड़के से दोस्ती करने के लिए राजी है। आपके घर में सफेद रुमाल है? नमस्ते जी। आपके घर में सफेद रुमाल है? ये रुमाल यहां किसने लटका रखा है?
अरे रुमाल, खिड़की पे रुमाल क्यों बांध रही है? नहीं ना, मैं तो, अरे नमस्ते माँ जी। अरे राजा बेटा, आज हमारे यहाँ कैसे? हाँ माँ जी, मैं आया था माँ जी, आप ही के पास आया था। अचार? अचार? हाँ माँ जी, माँ ने पूछवा भेजा है कि वो आम का अचार जो आप बनाती हैं ना, वो आप कैसे बनाती हैं? आम का अचार? हाँ माँ जी, आम का अचार। वैसे तो माँ ने कहा था कि शाम को जाके पूछना, लेकिन माँ जी शाम को मैं नहीं आ सकता, क्योंकि शाम को ठीक 5 बजे मुझे बोटैनिकल पार्क बेंच नंबर 3 में बैठ के अपने दोस्त का इंतजार करना है, और बोटैनिकल पार्क 5 बजे बेंच नंबर 3 पे बैठ के इंतजार करने के लिए फिर मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं अभी आ जाऊँ। समझ गई बेटा, पहले ये सुन, पहले कैरी के टुकड़े कर लेना, फिर उन्हें 3 दिन के लिए धूप में सुखा देना। वो तो बहुत दिन से सूख रहे हैं, सूख सूख के बुरा हाल हो गया। सूख चुके हैं तो फिर उन्हें कड़वे तेल में डाल देना और मसाला मिलाकर 21 दिन के लिए बंद करके रख देना। हाथ बिल्कुल नहीं लगाना वरना खराब हो जाएगी। अच्छा, क्या कहेगा? हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे माँ से क्या कहेगा? तेल को 3 दिन सुखाकर मसाले के बीच निकालकर आम डाल देना। नहीं, मसाले को 21 दिन धूप में सुखाकर तेल को आम में 3 दिन डाल देना। तू नहीं समझेगा, मैं खुद ही जाकर तेरी माँ से मिलूंगा। नहीं माँ जी, मैं समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। अच्छा माँ जी, मैं जाता हूँ। अरे बैठ ना। नहीं माँ जी, मैं नहीं बैठ सकता। चाय तो पी के जाएंगे। चाय कैसे पी सकता हूँ, तैयारी नहीं करनी है, 5 बजे बोटैनिकल पार्क बेंच नंबर 3 पर मुझे मिलना है। अच्छा माँ जी, नमस्ते। बिल्कुल पागल है। बेंच कहाँ है? बेंच तो सामने, लेकिन वहाँ चार। यहाँ बैठे। तुम्हारी आंखें बिल्कुल नीली झील की तरह हैं। इनमें डूब जाने को जी चाहता है। यहाँ से चलते हैं। एक तो इतनी मुश्किल से जगह मिली और ऊपर से आगे पाल गागरी कहते कहते। आइए यहाँ बैठते हैं। पूनम, कितनी बड़ी दुनिया है ये, लेकिन फिर भी कितनी छोटी। इतनी बड़ी थी और छोटी थी। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया में दो इंसान तन्हाई ढूंढे तो वो भी नहीं मिलती। अब तो मिल गई। कौन जाने कब तक के लिए। तो फिर जल्दी से कह डालिए। क्या? जो कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। पूनम।
क्या हुआ कहिए ना। कहने की जरूरत है? नजरों की जबान नहीं समझ सकी आप? दिल की बात अगर कोई नजरों से कह दे तो उसे समझने के लिए कुछ सहारा चाहिए। हम तो जिस राह पे जाते हैं, हम तो जिस राह पे जाते हैं, वही ये हंसी मिल जाते हैं। प्यार कभी नहीं मिटेगा। हाँ राजा, हमारा प्यार कभी नहीं मिटेगा। हम दोनों के प्यार की उड़ान आसमान तक पहुंचेगी, पिंजरे में कैद होकर नहीं रहेगी। सुनो, तुम मेरे भैया से बात क्यों नहीं करते? मुझे तो डर लगता है। किससे? मेरे भाई से? थी जवान एक था जवान, थे जहान में, रहते थे दोनों साथ ही हिंदुस्तान में, फिर साथ साथ रहते रहते प्यार हुई गवा। हरीश, तुमने दुनिया में बहुत से आदमी देखे होंगे। देखे तो है, मेरे भैया जैसा नहीं देखा होगा। लेकिन क्या करूं, मुझे डर लगता है भैया।
महेश अमित, एक रात को पकड़े गए दोनों, जंजीर से जकड़े गए दोनों। साफ साफ बात करो, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी ये गोलमोल बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। वो दरअसल बात ये है, वो एक गिलास पानी नहीं। दो गिलास पानी पी चुके हो? बस एक और। लक्ष्मी अच्छा, एक गिलास। तुम यह बात कर रहे हो, पानी पीने हो? पानी पीने, मेरा मतलब बढ़ जाओ जी, बढ़ जाओ। वो दरअसल बात यह है कि आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं। तबीयत मैं ठीक कर दूंगा, बैठ जाओ। तुम ये कहना चाहते हो ना कि तुम लक्ष्मी से प्रेम करते हो? हाँ या नहीं? करता हूँ। उससे शादी करना चाहते हो? अगर आपकी आज्ञा हो तो। हिम्मत है? हिम्मत? कौन सी हिम्मत? हिम्मत हिम्मत हाँ बहुत है। डर के मारे थर थर कांप तो रहे हो? नहीं नहीं, डर ही रहा, शर्मा रहा हूँ। आपसे शर्म आ रही है ना? अपने पिता को राजी कर सकोगे? हाँ कोशिश करूंगा। तुम क्या कोशिश करोगे? मैं करूंगा जी। हाँ अपने पिता से कहना कि कल वीरेंद्र आपसे बात करने के लिए आने वाला है। सच? थैंक यू। अरे हरीश, अरे बात तो सुन। अरे क्या है? तो भैया एक बात है। अरे बोला, जब सर ही खुजाएगा कुछ बोलेगा भी क्या है? भैया एक 20 रुपए है। तो सीधे बोलो, लड़कों की तरह क्या कर रहा है? ले। अरे भैया आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि ये किस लिए चाहिए। अरे पगले, जिंदगी में पहली बार तो तू मुझसे पैसे मांग रहा है, वो 20 रुपए, मुझे पूछते हुए शर्म नहीं आएगी? जा रहे हैं वहां, अगर हम 20-25 मिनट देर से भी पहुंचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां हमें नहीं जाना चाहिए वहां आपकी ये तेज रफ्तार हमें 20-25 साल पहले जरूर पहुंचा देगी। भाई साहब जरा आहिस्ते चलाइए। नहीं राजा, चलाने दो ना, मुझे तेजी बहुत पसंद है। ये हवाएं मुझे पागल कर देती है। जी चाहता है मुझे पंख लग जाए और मैं इन हवाओं को चीरती आसमान की बुलंदियों को भी पार कर जाओ। उसके बाद क्या होगा? कहीं तो सांस लोगी। नहीं राजा नहीं, जोड़ने लगते हैं वो कभी पलट के नहीं देखते। वो तो रात दिन जिंदगी की मस्तियों में डूबे हुए उड़ते उड़ते कई आसमान पार कर जाते हैं, फिर भी नहीं थकते, कभी नहीं थकते। रफ्तार में जिंदगी है राजा, रुकना मौत की निशानी।
रास्ता पे गाड़ी रोको। गाड़ी क्यों रोक दी? कितना अच्छा सपना देख रही थी। तुम सपना देख रही थी? मैं मीटर देख रहा था, हकीकत देख रहा था। ये मामला है, यहाँ खा लो सारे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी। नहीं यार, मूड नहीं है, सारी रात नींद नहीं आई, करवटे बदलता रहा। क्यों, क्या खटिया में खटमल बहुत हो गए? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। अरे हम खूब समझते हैं बबुआ, इसलिए कहते हैं इसको थोड़ा सा खा लो, इसकी खुशबू दूर दूर तक पहुँचती है। ये दीपा, ये गोपाल, इधर आ। क्या हुआ? अरे मिल वाले के किसी आदमी ने वीरेंद्र भैया को चाकू मार दिया है। तेरी तुलसी के नीचे दिया जलता रहेगा, दुख तेरे आंचल को छू नहीं सकता। आके देख, आज भी दिया वैसे ही जल रहा है, मगर तू कहाँ है? तू क्यों चिंता करती है? अरे भगवान ने तुझे दो दो बेटे दिए हैं। थक गया है ना? नहीं, ठीक हूँ। क्या ठीक है रे? तेरी सूरत तो देख, कैसा हो गया है तू, जैसे महीनों से बीमार। कोई फिक्र नहीं, तेरा आशीर्वाद रहा तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मेरा तो रोम रोम तुझे आशीर्वाद देता है, लेकिन लगता है मेरे आशीर्वाद में कोई असर है ही नहीं। नहीं माँ, ऐसा क्यों कहती हो? तो और क्या, अगर असर होता तो वो लोग जो कल तक झुककर सलाम करते थे, आज इतनी बेइज्जती तो करके न जाते। बेइज्जती? किसने की बेइज्जती? बताना मां। मकान मालिक 15 दिन की मोहलत दे गया है। वीरेन ने हड़ताल के दौरान कुछ लोगों से कर्ज लिया था, वो भी आकर शोर मचा रहे थे। तू फिक्र मत कर, ये ले, इसको बेच देना, मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी। नहीं मां। ले ना राजा, जब तुझे नौकरी मिल जाएगी तो दूसरी बना देना। हम्म,
बात है यार, तू यहाँ कैसे? विक्रम, एक जरूरी काम है। काम? मुझसे? अब बैठो, क्या पियोगे? नहीं यार। Excuse me. क्या बात है राजा, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। विक्रम, तू हमेशा मुझे काम के लिए कहा करता था ना, और मैं इनकार कर देता था। आज मैं तैयार हूं। यही है वो जगह जहां तुम हजारों नहीं लाखों कमा सकते हो। लेकिन ये तो जुआ खाना है। नहीं, ये कारखाना है। यहां तकदीरें बनती हैं, बिगड़ती हैं। उस आदमी को देखो, ये प्रिंस है, रायगढ़ का नकली प्रिंस। इस वक्त उस टेबल पर लाखों की हेरा फेरी हो रही है, लेकिन आखिर में जीत उस प्रिंस की होगी। जानते हो क्यों? वो मेरा बनाया हुआ प्रिंस है। राजा, मैं तुम्हें भी प्रिंस बनाऊंगा। तुम भी रोज जीता करोगे, और फिर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा और मुझे मेरा। एक मिनट यहां ठहरो, मैं अभी आया। बंद करो ये सब, खामोश। ये शरीफों का क्लब है। मुझे शरीफों के क्लब में बेईमानी नहीं होता है। हाँ हाँ, यहाँ बेईमानी होती है। किसने की है बेईमानी? इसने प्रिंस ने। विक्रम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जुए में बेईमानी नहीं। तो ऐसे बाहर। ये शक्ल मेरे क्लब में दोबारा ना दिखाई पड़े। कहां जा रहे हो? ये सब क्या है? कारखाने में कुछ मशीनें बिगड़ भी जाती हैं, उन्हें ठीक करना पड़ता है। आओ। नहीं, मैं मजदूर बनकर मेहनत करने आया था, बादशाह बनके जंग करने और तकदीर आजमाने नहीं। तू, तुझे कितनी बार मना किया है कि रात को तू दरवाजा मत खोला कर। मां कहां है तेरी? घर से निकलते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। इतना भी याद नहीं, सुबह आपके सामने बुखार में तड़प रही थी। बाहर जाओ तो दुनिया के झमेले, घर आओ तो बीमारी करो। ऐसे जिंदगी से तो मौत अच्छी। दवा लाए थे? नहीं। क्यों? पैसे कहाँ हैं घर में? पैसा पैसा पैसा, उधार नहीं ला सकती थी है? कल कहीं से भी लाकर दे देता। कहाँ से लाकर देते? 300 तनख्वाह मिलती है, उसमें से आधी तो शराब में उड़ा देते। उधार का पैसा कहाँ से चुकाते? अगर इतनी हमदर्दी थी तो आज शराब नहीं पीते, दवा का इंतजाम कर दिया होता। यही सब बोल बोल के तुम लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। किससे करेंगे आपकी बदनामी?
ना तो कोई हमारी यहाँ आता है, न हम किसी के वहाँ जाते हैं। तुम मुझे सबसे ज्यादा बदनाम करती है। मैं? हाँ, तो तेरा दिमाग बहुत ऊंचा उठता है, तुझे और सब कुछ चाहिए जो मन नहीं दे सकता, मेरा बचपन नहीं है। क्या मांगा है आपसे? आज तक जो खाने को मिला खा लिया, जो कुछ भी पहनने को मिला पहन लिया, किसी चीज की भी शिकायत की आपसे? हाँ, बचपन में दूसरों के बच्चों को देखकर जरूर दुख होता था, लेकिन अब तो उसकी भी आदत सी हो गई है। त्योहार आते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, दिए जलाए जाते, रोशनी की जाती है, और तब हमारा बाप नशे में धूत, कीचड़ में लथपथ, दरवाजा पे लाते मारता। और हम इस अंधेरे घर के किसी कोने में सहमे हुए अपने दिल से पूछते कि क्या कसूर है हमारा, खुशी क्यों इस घर में आने से इनकार करती है। पूनम! क्यों, कुछ गलत कह रही हूँ? आज तक कौन सी खुशी, कौन सा त्योहार मनाया गया इस घर में? माफ करता हूँ, चुप करती है। क्यों चुप करो? आपने हमारी सारी तमन्नाओं, सारी खुशियों को समेटकर शराब की बोतल में डुबो दिया। बस यही एक चीज बाकी थी जिंदगी में, चलो ये भी मिल गई। राजा, जरा इधर आओ। क्या बात है पूनम? एक उपकार करोगे? उपकार? मुझे यहां से कहीं ले चलो। पूनम, कहीं भी, इस घर से दूर। क्या पागलपन की बात कर रही हो? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कहने दो, मुझे किसी का डर नहीं है, बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं होता। पूनम, मैं जानता हूं जरूर कोई ऐसी बात, ऐसा वाकया हुआ है जिससे तुम अपने होश आवाज खो बैठी हो, लेकिन जज्बात में आकर कभी कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे जिंदगी भर तुम्हें ठोकरे खानी पड़े। अगर तुम्हारा साथ रहा तो मैं दुनिया की हर ठोकर हंसते हंसते सह लूंगी। इतनी जल्दी जिंदगी के फैसले नहीं किए जाते पूनम, कुछ देर खुद सोचो, कुछ मुझे सोचने दो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। एक काम करो, शाम 5 बजे मुझे मिलो। कहाँ? उसी रेस्टोरेंट में, ठीक है ना? राजा, हरीश के पिताजी तुझे आज शाम को बुलवाया है। आज शाम को? शायद शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। देख राजा, अगर पैसों की बात करें तो इनकार कर देना, कह देना कि हमसे नहीं हो सकेगा, आप हरीश की शादी कहीं और कर दीजिए। इनकार कैसे कर दें? कितनी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे? बड़े भाई ने वचन दिया और छोटा भाई उसे तोड़ रहा है। अरे, वचन देने वाला ही नहीं रहा तो वचन कैसे? और उस वचन का पालन करने के लिए 15,000 रुपए चाहिए, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सारी जिंदगी तो वो लोग इंतजार करेंगे नहीं, हम ये समझ लेंगे कि लक्ष्मी की तकदीर में ही नहीं। अगर लक्ष्मी की तकदीर की कीमत सिर्फ 15,000 है तो राजा अपनी जिंदगी बेचकर उस तकदीर को खरीद लेगा। देखो राजा, मैं जरा प्रैक्टिकल टाइप का आदमी हूं,
दोस्ती प्यार और मोहब्बत से मैं जरा दूर ही रहता हूं। मुझे तो सिर्फ लक्ष्मी चाहिए। मेरी बहन का नाम भी लक्ष्मी है। मैं जानता हूं तुम्हारी बहन का नाम लक्ष्मी है, लेकिन मैं जिस लक्ष्मी की बात कर रहा हूं वो तुम्हारी बहन नहीं है। कम से कम कितना? दो जगह से रिश्ते आ चुके हैं। एक की ऑफर 20,000 की है, दूसरा 25 दे रहा है। आगे तुम खुद समझदार हो। अच्छी बात है, मैं इंतजाम कर लूंगा। नमस्कार। नहीं? हाँ, वो कुछ ऐसी उलझन में फंस गया कि आने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तुम अपनी उलझनें सुलझाते रहो, मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पूनम, मुझे गलत मत समझो, जिन हालात से तुम गुजर रही हो ऐसे ही कुछ हाल मेरा भी है। दुखों तकलीफों ने जिंदगी के चारों तरफ एक दीवार सी खड़ी कर दी है। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो उस दीवार से टकराता हूं, गिर पड़ता हूं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपने दुख सुनाने जा रही थी, मैं अपना किस्सा ले बैठा। आज के लिए मुझे माफ कर दो, कल शाम 5 बजे मेरा इंतजार करना। आओगे ना? मुझ पर विश्वास करो। 5 बजे? हाँ, जरूर आऊंगा। तूने क्या किया लक्ष्मी, ये तूने क्या किया? हमें जलील कर दिया, दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा। क्यों मुंह काला करने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? बोल बोल, अब बोल, अब क्यों तेरी जबान को ताला लग गया? उसमें अमा लाख चिल्लाकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा करना चाहती है? थोड़े दिन ठहर जा, सारा मोहल्ला क्या, सारी दुनिया टूकेगी हमारी चौखट पर। इस लड़की ने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। इसे क्या पूछता है मुझसे? पूछ, हरीश के साथ मुंह काला किए बैठी है। चुप कर मां, चुप कर। बात इस चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। सलील, दोस्त बनकर दोस्ती के नाम पर थूक दिया तूने, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तेरे गुनहगार हूं राजा, तेरे जो जी में आए मुझे सजा दे, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। लेकिन लेकिन लक्ष्मी को इतना जलील मत करो, सारा कसूर मेरा था, मैं इंतजार न कर सका और ये नादानी कर बैठा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था कि इससे पहले कि लोगों को इस बात का पता लगे, हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए।
कितने बजे हैं? अब टाइम क्या हुआ है जी? 5:40। का इंतजार कर रही हैं क्या? क्या बात है, बहुत परेशान सी दिख रही हैं आप। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ जा रही हैं आप? घर। चलिए मैं आपको छोड़ दूं। मैं खुद चली जाऊंगी, शुक्रिया। पूनम जी, कुछ लोग इतने बुरे होते नहीं जितना कि उन्हें लोग समझते हैं। मैंने आपको बुरा कब कहा है? आपने कहा तो नहीं, लेकिन समझती तो है, वरना आपको मेरे साथ जाने में क्या इतराज हो सकता है? पूनम जी, इसमें बुराई क्या है? मैं उसी तरफ जा रहा हूं, आपको छोड़ दूंगा, चलिए ना प्लीज। राजा, सुना है आजकल तुमको काम की तलाश है? है। आओ बैठो गाड़ी में। जी बैठो। कितनी खूबसूरत जगह है। फरमाइए अर्जुन साहब, मुझे क्या काम करना होगा? एक्टिंग। एक्टिंग? ड्रामा क्या है? तुम्हें ऐसे एक लड़के का रोल करना है जो एक करोड़पति का इकलौता बेटा है, रहने वाला कानपुर का है, मगर 10 साल की उम्र में लंदन चला गया था। हाल ही में कानपुर वापस आया, आज से ठीक 1 महीने के बाद बंबई के लिए रवाना होगा। मगर बंबई पहुंचोगे तुम। मैं? यहां एक बहुत ही अमीर आदमी से तुम्हारी मुलाकात होगी, जो उस लड़के के पिता के बचपन के दोस्त हैं। मुझे हथकड़ियां लगवाने का इंतजाम कर लिया आपने? वो पहचानेंगे नहीं कि मैं नकली हूं? फिक्र मत करो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। जिन साहब का रोल आप मुझसे करवाना चाहते हैं, क्या उनकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है? बिल्कुल नहीं। हाँ? मगर फिर भी वो तुम्हें नहीं पहचानेंगे, क्योंकि उन लोगों ने उसे उस वक्त देखा था जब वो सिर्फ 7 साल का था। अच्छा, फिर? मैं ये चाहता हूँ कि तुम उनके घर मेहमान बनकर जाओ, उस फैमिली से मेल जोल बढ़ाओ, खासकर उनकी इकलौती बेटी से। ओ, और फिर शायद ये मेल जोल मोहब्बत में बदल जाएगा। करेक्ट, वो तुमसे मोहब्बत करेगी, तुम नहीं। नहीं अर्जुन साहब, ये मुझसे नहीं होगा। देखो राजा, जिस लड़के का रोल मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, दरअसल वो उस लड़की का मंगेतर है। इन दोनों की मंगनी बचपन में ही कर दी गई थी, मगर अब मुझे पता चला है कि वो बहुत ही अयाश किस्म का आदमी है। उसने लंदन में 2 शादियां की और दोनों बीवियों को वहीं छोड़कर हिंदुस्तान चला आया। तुम्हें बताओ, अगर ये शादी भी हो गई तो क्या इस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी? एक बात बताइए, आपको इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वजह यह है, मैं एक अनाथ था, तब इस लड़की के पिता ने मुझे सहारा दिया,
मुझे अपना नाम दिया, बड़ा होने पर सारे काम की जिम्मेदारी मुझको सौंप दी, यहां तक के अपने सारे कारोबार में मुझे चार आने का हिस्सेदार भी बना दिया। इसीलिए मैं इस मामले में इतनी दिलचस्पी ले रहा हूं। अगर ऐसी बात है तो ये सब कुछ उसके पिता को बता क्यों नहीं देते आप? नहीं बता सकता, वो बहुत ही कमजोर दिल के आदमी है, शायद इस हकीकत को बर्दाश्त न कर सकें। अगर मुझे मोहलत मिल जाए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सब कुछ बता दूंगा। आज नहीं तो कल उस लड़की को जब इस नाटक का पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी, ये भी सोचा आपने? सोचा है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ तुम अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम्हारा दिल इस बात की गवाही दे दे कि इस काम में कोई बुराई नहीं है तो भी खटके मेरे पास आ जाना, 7 दिन के अंदर। जा रही हूं। आपको क्या लग रहा है? लग तो यही रहा किसी खास जगह जा रही हूं, लेकिन पता तो चले कहां? अपने एक सहेली के यहां। कौन सी सहेली? कोई भी हो सकती है, क्या ये जरूरी है आप मेरी हर सहेली को जाने? अकेले जा रही हूं? हाँ। पहले तो अकेले जाने में घबराहट महसूस होती थी तुम्हें? अब नहीं होती, पिछले चंद दिनों से आदत सी हो गई है। चलो मैं तुम्हें छोड़ा हूं। आप? हाँ मैं, क्यों? आपका वक्त बहुत कीमती है, मेरे लिए बर्बाद मत कीजिए। आपने कह दिया, उतना ही मेरे लिए काफी है। आज आप क्या लगा रखी? और क्या तुम कहो, आपको बुरा नहीं लगेगा? तुम तो अपनों को कहा जाता है। तो क्या अब मैं पराया हो गया हूं? अपने भी कब थे, बस 2 दिन में इतना गिरा दिया। मैंने गिराया या आपने? मैंने क्या किया? मुझसे क्या पूछते हैं, अपने दिल से पूछिए। नहीं तुम ही बताओ, ज्यादा बेहतर है, मेरे पास इतना वक्त नहीं, मुझे देर हो रही है। यह आवाज शायद तुम्हारी सहेली की मोटरसाइकिल की है। तुम विक्रम के साथ नहीं जाओगी पूनम? कैसे नहीं जाऊंगी, वो नीचे इंतजार कर रहा होगा और इंतजार करने वालों को धोखा नहीं दिया जाता। पूनम तुम जिस दुनिया में जा रही हो वहां की जमीन बहुत चिकनी है, एक दफा फिसली तो फिसलती चली जाओगी, जिंदगी भर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मुझसे लाख दूर भाग, लेकिन किस्मत में हमारा मेल लिखा ही है। अरे हरीश कब आ? बस अभी थोड़ी देर हुई। क्या बात है हरीश, तुम कुछ? राजा मैंने फैसला कर लिया है। किस बात का? कि मैं लक्ष्मी से शादी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पिताजी का घर छोड़ना पड़े। और उसके बाद? कुछ ना कुछ कर लूंगा राजा, पढ़ा लिखा हूं, कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं। जब तक भैया का साया सर पे था दुनिया के दुखों और गमों का एहसास तक नहीं था मुझे। सोचता था एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर सबका सहारा बन जाऊंगा मैं, फिर भैया का साया हटते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे तपते हुए रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया हो, जहां मैं चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसके पीछे दौड़ता फिर रहा हूं। हरीश जब तक मैं जिंदा हूं दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती।
राजा, कहते हैं गुस्से में आदमी पागल हो जाता है। वक्त देखकर दूसरी बार भी जब तुम नहीं आए तो मैं अपने आपे में न रही और ये समझ बैठी कि तुम भी उन्हीं में से एक हो जो वादा तो कर लेते हैं लेकिन निभाना नहीं जानते। मैंने आज जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक नाटक था। मैं तुम्हें चलाना चाहती थी, मुझे माफ कर देना। पूनम तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। आह, वेलकम। गुड मॉर्निंग राजा। गुड मॉर्निंग। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे, पैसे के लिए नहीं बल्कि हमारी मदद के लिए। तुम उस खानदान से ताल्लुक रखते हो जिसने हमेशा दूसरों की मदद के लिए जान की बाजी लगा दी। बैठो। नहीं अर्जुन साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आज आप पर नहीं अपने आप पर एहसान करने आया हूँ। मैं बिकने आया हूँ। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। सुनो राजा, हमारे पास सिर्फ एक महीना है। इस एक महीने में मुझे तुम्हें राजा से अमित बनाना है। That won't be very difficult, of course. यह हो जाएगा। लेकिन पहले तो तुम्हें इनसे परिचित होना चाहिए जिनके बीच तुम्हें रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूं तुम इन लोगों के बारे में इतना कुछ जान लो कि ऐसा लगे कि तुम इन्हें बरसों से जानते हो। यह है शहर के बहुत बड़े रईस सेठ केदारनाथ मलिक, तुम्हारे पिता के बचपन के दोस्त। बहुत ही जिंदा दिल आदमी है, जिस पर खुश हो जाए उस पर सब कुछ निछावर कर देते हैं। तुम इन्हें हमेशा चाचा जी कहते थे। ये है निर्मला देवी। निर्मला देवी उनकी दूसरी पत्नी, इनकी पहली पत्नी जिनका देहांत हो चुका है, उनसे कोई औलाद नहीं थी। और यही है वो काफिर हुसन। इन दोनों की इकलौती नाजों से पली हुई बेटी रश्मि, ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही जहीन। संगीत इसकी रगों में है, शेर व शायरी की दीवानी। तुम एक्टिंग से इसे अपने इश्क में गिरफ्तार करोगे। रिमेंबर दैट, तुम एक्टिंग करोगे, सचमुच मोहब्बत नहीं। पूछ मत माँ, आज इतना खुश हूँ कि जमीन पर पाँव नहीं रखे जा रहे। मैं भी तो सुनूं क्या हुआ। अरे माँ, ये पूछ के क्या नहीं हुआ है। अपना हरीश तो पहले से ही पक्का था, अब 5,000 रुपए देके उसके बाप को भी पक्का कर लिया, और ये रहे 5,000। शादी की तैयारियां शुरू कर दे। इतने पैसे लाया कहाँ से? नहीं बताऊंगा। पहले हंस, एक अरसा हो गया इस घर में कोई नहीं हंसा। हंसना। अच्छा बोल। माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है अपने एक अमीर दोस्त के यहाँ, 800 रुपये महीने की। उसी से ये एडवांस ले आया हूँ। इसी नौकरी के लिए कल मुझे नागपुर जाना होगा। अच्छा भाई चले। अच्छा, माफ करना राजा बाबू, आपसे आंसू निकल रहे हैं। क्या करें, ऐसे लग रहा है जैसे मोहल्ले की जान जा रही है। लेकिन खुशी एक बात की है कि हमारे राजा बाबू को नौकरी मिल गई है। कितनी तनख्वाह है? 800 रुपए। 800? इतने साल में मिलेंगे? अरे 800 महीने के। महीने का 800? रोकड़ा या उधार? ये पान की दुकान थोड़ी है जो उधार चले। रोकड़ा रोकड़ा। ये लो कुछ पान बनाए हैं आपके वास्ते। हाँ? ट्रेन से जा रहे हैं। हाँ? अगर पड़ोस में किसी के मुंह से बास आए तो इलायची खिला देना। ये लो। ले, मजा किया जा रहा है। अच्छा देखो, एक काम तुम लोगों के जिम्मे छोड़े जा रहा हूँ। माँ और बहन का ख्याल जरूर रखना। अरे इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। तुहार माँ हम सबकी माँ है, तुहार बहन हम सबकी बहन है। बेफिक्री से जाओ। अच्छा राजी खुशी जाओ।
लक्ष्मी, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू है पूनम, भैया की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है ना। अच्छा? हाँ। कहाँ? नागपुर की एक बहुत बड़ी कंपनी में। नागपुर? तो अब क्या वो वही रहेंगे? हाँ। अच्छा तो रुक, मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आती हूँ, भैया की सलामती के लिए। आप श्री अमित राय हैं? Yes. जी, मुझे मलिक साहब ने भेजा है, ये रहा उनका खत। मलिक साहब? जी। आई सी, मलिक साहब अचानक फार्म हाउस क्यों चले आए? जी वो यहाँ कल ही पहुंचे हैं, आज आपके लिए शिकार का प्रबंध भी किया है। शिकार का आपको बहुत शौक है ना? शिकार तो अपनी जिंदगी है। तो ये सामान गाड़ी में रखवा दूं? चल चल, सामान रखो, आइए। ये फॉर्म हाउस यहाँ से कितनी दूर है? जी ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ जी। अच्छा आप लोग कौन है? मुझे यहाँ क्यों लाए? आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी। कैसी तकलीफ? तकलीफ ये है कि आप यहां से बाहर नहीं जा सकते। अंकल, अमित, देखा देखा, शरीफ और बड़े खानदान का खून कैसा होता है। सारी जिंदगी इंग्लैंड में गुजारी है लेकिन मातृभूमि की सभ्यता को नहीं भूला। यह है मिस्टर अर्जुन मलिक। नमस्कार। मेरा पूरा कारोबार यही संभालते हैं। तो अर्जुन साहब हमें भी संभाल लीजिएगा। आई मीन नया हूँ, कभी कहीं कोई गड़बड़ कर बैठू तो बचा लीजिएगा। अंकल आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई मेहमान हूँ। ठीक ही तो है, घर छोड़कर होटल में ठहरने वालों को मेहमान नहीं तो और क्या कहेंगे। आंटी,
अरे आंटी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मजबूरी थी। मैं अंकल को पहले बता चुका था, वरना मेरी क्या मजाल कि मैं होटल में जाके ठहरता। हेलो केदारनाथ। आओ आओ गुप्ता आओ। डू यू रिकॉग्नाइज दिस हैंडसम यंग मैन? कौन है वे? कौन है? पहचानो पहचानो, कमाल है यार, ये है अमित प्रताप राय का बेटा। प्रताप राय? प्रताप राय का बेटा? प्रताप राय का बेटा? बेटा तुम इन्हें जानते हो? डू यू नो हिम? गुप्ता। हाँ हाँ, गुप्ता अंकल। गुप्ता अंकल? बचपन में तो तू मुझे गुप्पू कहा करता था। अरे अरे, बचपन में तुम्हें चिढ़ाने के लिए कहा करता था, अब भी तुम्हें चिढ़ाते रहे। अच्छा बेटा कैसे हो? ठीक हूँ गुप्पू अंकल। अच्छा वो तुम्हारे पुराने मैनेजर गणेश आजकल कहाँ है? कानपुर में। कानपुर में? लेकिन मैंने तो सुना था वो अमेरिका चले गए और वापस ही नहीं आए। नहीं, मेरा मतलब है कि वो एक महीना पहले लौट आए। लौट आए? अच्छा वो प्रकाश कहाँ है? अंकल गुप्पू, वो अंकल महेश्वरी कहाँ है? महेश्वरी? महेश्वरी कौन? कमाल है अंकल, आपकी डैडी की और प्रकाश बाबू की महेश्वरी अंकल से काफी दोस्ती थी। महेश्वरी? यार केदार, ये महेश्वरी कौन है? अरे मुझे क्या मालूम तुम्हारे दोस्त कौन कौन थे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी के साथ वो गोपाल रहते थे, वो आजकल कहाँ है? वो भी महेश्वरी के पास थे। क्या मुसीबत है। Excuse me. आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। जिंदगी में एक बार जैसे देख लूँ उसे कभी नहीं भूलता। आपका नाम रश्मि है, और चूंकि आप मेरा नाम भूल चुकी हैं, मैं आपका अपना नाम बता दूँ। मेरा नाम अमित राय है, और मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन ये जो आप जम्बोजेट की रफ्तार से कह गए, निकल गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पड़ेगा पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, पल्ले भी पड़ेगा, गले भी पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए। चलिए नाश्ता लग गया है। अरे बच्चों चलो चलो चलो, नाश्ता लग गया है। कम ऑन अर्जुन। No, thank you. I've already had my breakfast. 1930 में एक मुशायरे में। बस बस बस, 1930 में क्या हुआ था मालूम है? बेटा गलती से इन्होंने एक कविता लिख दी थी, आज तक उसी को पीट रहे हैं। उस एक कविता की टक्कर की दूसरी कविता आज तक लिखी नहीं गई है, फिर और लिख कर अब फायदा क्या? क्यों बेटे? क्यों? आपने बिल्कुल ठीक कहा। यार वो महेश्वरी, अच्छा मारो गोली उस महेश्वरी को। वो एक जमुना दास तुम्हारे पिताजी के साथ रहा करते थे, वो आजकल कहाँ है? वो भी महेश्वरी के यहाँ काम करते हैं। ओहो, क्या मुसीबत है यार, ये महेश्वरी कौन है? जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारा महेश्वरी। बेटा किस मुसीबत में फंसा दिया है इसको? सुनो गुप्ता, कल मैं अपने बेटे के ऑनर में एक बहुत शानदार पार्टी देने वाला हूँ। वैसे तो सभी दोस्त आने वाले हैं, आप भी आ सकते हैं। थैंक यू, बट रिमेम्बर नो महेश्वरी। गुप्पू अंकल। गुप्पू अंकल नहीं, उल्लू अंकल। उल्लू अंकल? ये देखा, ये क्या हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी की और मेरी कोई दुश्मनी थी? नहीं। तुमको बचपने में मैंने कभी पीटा था? नहीं। तो फिर क्यों तुमने मेरी नींद हराम कर रखी है? मैंने? हाँ तुमने, तुम्हारी वजह से मैं रात को सो नहीं सका। रात को बिस्तर से उठकर सड़क पर चला गया था। कल रात दूसरे माले से फिसल कर गिर कर फुटबॉल की तरह लुढ़क कर बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया, उसका ये इनाम मिला। लेकिन मैंने क्या किया? क्या किया ये क्यों नहीं बता देते हो? महेश्वरी कौन है? महेश्वरी। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मैं अभी, एक मिनट में। ये आने का वक्त है क्या? देर हो गई। तो खैर मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए ये लोगों की पार्टी है किस सिलसिले में? पिछले महीने में आपके घर में एक पार्टी थी, वो क्या सिलसिला था? वो तो खैर हमारे लड़के की मम्मी थी। क्यों, हमारे घर में बेटी नहीं क्या? आप समझते हैं कि ये पार्टी हमने अपनी मम्मी के लिए रखी है? चलिए अमित, अमित, अमित,
क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ खो गए थे? क्या सोच रहे थे? ख्यालों में तुमसे कुछ पूछ रहा था। यानी जागते हुए सपना देख रहे थे? हाँ, उसे सपना ही कह लो। क्या सपना देखा? रश्मि, अगर तुम्हें ये पता चले कि मैं जो नजर आता हूँ वो नहीं हूँ, मेरी असलियत कुछ और है, मेरा नाम कुछ और है, मैं एक बहुत ही गरीब मामूली आदमी हूँ, तो क्या फिर भी तुम मुझसे इसी तरह प्यार करती रहोगी? तो मैंने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, तुम रो पड़ी, एकदम भागने लगी, मैं तुम्हारे पीछे भागा, आवाज देता रहा, रश्मि रुक जाओ रश्मि, रश्मि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ रश्मि, पर तुम दूर निकल गई, ना मैं तुम तक पहुंच सका और ना तुम लौट के वापस आई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ? हाँ, सपने का मतलब हमेशा उल्टा होता है। अब अगर चाहो तो भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन रश्मि, बस बहुत बोल चुके हो, अब मेरी बारी है, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। पूछो। लेकिन ठीक ठीक बताना, झूठ मत बोलना। अमित, तुमने पहले कभी किसी लड़की से प्यार किया है? बोलो ना अमित। देखो, तुमने सच बोलने का वादा किया है। प्यार की हद तक तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन मुमकिन था कि पहुंच जाते। क्या वजह थी नहीं पहुंचने की? किसका कसूर था? किसी का भी नहीं, कसूर था उस गरीबी का जिसने उसकी जिंदगी, एहसास और जज्बात को इतना कुचल दिया था कि हकीकत का सामना करते हुए उसका दम घुटने लगता। तेज हवाओं में पंख लगाकर उड़ने की तमन्ना करती थी और आम इंसानों की तरह जमीन पर चलते हुए उसके कदम डगमगाने लगते। हमेशा कहा करती थी, ये हवाएं मुझे पागल कर देती हैं, रफ्तार में जिंदगी है और रुकना मौत की निशानी। नहीं, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुमसे कह के क्या फायदा, तुम अच्छी तरह जानते हो इन लोगों के बीच मेरी क्या इज्जत है, लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। पूनम, मैंने तुम्हारा माहौल बदला, तुम्हें ऊंची सोसाइटी में लाकर बैठाया, लेकिन तुम्हारे ख्यालात नहीं बदले, तुम्हारा दिल नहीं बदला। कैसे बदलेगा विक्रम, कैसे? एक लड़की शादी के बगैर किसी मर्द के साथ सारी जिंदगी कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? ये शादी जो तुम बार बार कहती हो,
ये है क्या? किस चिड़िया का नाम है ये? तो पल्लों के सिरे आपस में बांधकर आग के चारों तरफ झूठ-मूठ के फेरे लगाना, इसी को शादी कहते हैं ना? पूनम, ये सब पुराने खोखले और घटिया तरीके हैं, इन्हें बदलने की सख्त जरूरत है। विक्रम, अब तो तुम जो भी कहोगे मानना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर आ चुकी हूँ कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं है और आगे बढ़े बगैर चारा नहीं है। छोड़ो, हम जैसों की तो सारी जिंदगी सपने देखने में ही गुजर जाती है। जब वहां थे इस दुनिया के सपने देखा करते थे, अब यहां आकर फिर उसी दुनिया के सपने देखने लग गए हैं। ओहो, क्या हुआ? वो देखो। हाँ? पेड़ से फल गिरा रहे हैं, इसमें हैरानी की क्या बात है? ये फल ना खाया जाता है ना पकाया जाता है। हाँ? तो फिर ये लोग क्यों लगे हुए? एक कहावत मशहूर है इस पेड़ के बारे में, वो है जाने का। वाह अरे साहब, ये क्या बात हुई? खुद ही किस्सा शुरू करती हो, खुद ही गोल कर जाती हो। कहावत क्या है? ऐसे लोगों का विश्वास है कि जिनके औलाद ना हो ये फल गिराने से उनके औलाद हो जाती है। बहुत है मेरे देश के लोगों की, दुनिया वाले चांद पे जा रहे हैं और हम लोग अभी तक पेड़ हिला रहे हैं। तुम नहीं मानते हो मत मानो। तुम मानती हो? आज तक इस पेड़ के बात कभी गलत साबित नहीं हुई। Really? हाँ। तो फिर इंतजार किस बात का है? नहीं अमित, नहीं प्लीज, मैं नहीं अभी छोड़ो प्लीज अमित। Remember that, तुम एक्टिंग करोगे, सचमुच मोहब्बत नहीं। तुम्हारा नाम भी हो गया, तुम्हारा भी हो गया, अभी तुम्हारा नाम दीपक नहीं, तोबा तोबा दीपक नहीं, हमारे यहाँ भी एक दीपक आता था, नाम तो था दीपक, धंधे सब काले, चिराग तले अंधेरा, तुम्हारा नाम विनोद चंदन संजय, क्या कहते हो, शर्म नहीं आती? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? आ गई आप? आपसे कितनी बार कहा है जब मैं इस वक्त घर आया करूं आप दरवाजा मत खोला कीजिए। माँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में बिस्तर पर पड़ी है और तू शराब पी कर आती है, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म? शर्म किस बात की? ये तो इस घर की पुरानी रीत है, माँ बाप के संस्कार ही तो औलाद पर पड़ते हैं। माँ संभाल वरना गिर जाएगी। गिर तो चुकी हूँ माँ, बहुत नीचे, इतने नीचे जहां से पाताल भी आकाश नजर आता है, और क्या गिरूंगी? इसकी तो खुद जिम्मेदार है, एक बार देख तो सही तूने अपने आप को क्या बना लिया है, तू कहां पहुंच गई है? आज तक जो जिंदगी मैं गुजारती रही उसे तुझे नफरत रही, लेकिन जो जिंदगी आज तो गुजार रही है उससे दुनिया नफरत कर रही है। मेरी जिंदगी में दुख जरूर है लेकिन सुकून है, इज्जत है,
और लेकिन तेरी दुनिया में सिर्फ दौलत है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। बस करो माँ, अब चाहूं तो भी नहीं लौट सकती, नहीं लौट सकती। विक्रम, क्या हुआ? मैं अभी अभी राजा से मिली। राजा? हाँ, मैंने उससे बात भी की लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कहता है वो राजा नहीं, कोई कोई अमित राय है। तुम्हें कहीं कुछ धोखा तो नहीं हुआ? धोखा? और वो भी राजा को पहचानने में? ऐसी बात है तो फिर अभी पता चल जाता है। मेरा नाम अमित राय है, अगर आपको यकीन ना आए तो नीचे काउंटर से पता कर लीजिए। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। क्या हुआ, कुछ पता चला? एक्टिंग करके हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विक्रम भी बाज की नजर रखता है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो अपने आप को छुपा रहा है? यही तो मालूम करना पड़ेगा। कल तक जो आदमी नौकरी के लिए मोहताज था, और आज। मलिक स्पीकिंग। आपसे एक बहुत जरूरी काम है, आप फौरन यहाँ इस होटल में आ जाइए। शेर सिंह, शेर सिंह बाहर आना। कौन है भाई? आइए सरकार, अंदर तशरीफ लाइए। नहीं, मुझे जल्दी है, मुझे तुमसे एक काम है। एक क्या हजार काम के लिए हजू क्या नाता रखे देंगे? सुनो, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पहचान लिया। किन लोगों? मेरा एक दोस्त और पप्पू। दोस्त? वो लड़की जो तुम्हारी गली में रहती है। मैंने बहुत एक्टिंग की, उनसे कहा भी कि मैं राजा नहीं हूँ, अमित राय हूँ बस। तो फिर इतना घबराते क्यों? तुम्हारी एक्टिंग पर मुझे पूरा भरोसा है। नहीं नहीं अर्जुन साहब, आप जानते नहीं हैं, मैं सबकी आंखों में भूल झुक सकता हूँ, मैं सबको अपनी एक्टिंग से बेवकूफ बना सकता हूँ, लेकिन पूनम को नहीं। पूनम राजा को अच्छी तरह पहचानती है, वो धोखा नहीं खा सकती। आपने मुझे यहाँ बुलाया था, तो मेरा ख्याल मैंने पूरा कर दिया, अगर आप इजाजत दें तो मैं जाना चाहूंगा। काम पूरा कर दिया? हाँ? किसने कहा तुमने? काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन राजा, काम भी अच्छा कहलाता है, इसका अंत भी खूबसूरत हो। मैं जानता हूं इसका अंत क्या होगा। अच्छा, क्या? यही, कल जाकर रश्मि को सब कुछ बता दूं कि मैं कौन हूं, मेरी असलियत क्या है, ताकि वो मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दे, मुझसे नफरत करने लगे। नो नो नो, दैट्स नॉट द एंड। ये एंड नहीं, ये नफरत, धोखा, फरेब, दिस इज ऑल चाइल्डिश। मैं तो चाहता हूं तुम उसे और प्यार करो, कि प्यार के मिस्ती में वो डूब जाए, खो जाए, कुछ याद न रहे उसको। उसके बाद खिल रहा है, खत्म कर दो उसको।
आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। अर्जुन मलिक ने अपनी जिंदगी में आज तक मजाक कभी नहीं किया और राजा ने भी अपनी जिंदगी में आज तक खून कभी नहीं किया और मजबूरों ने अगर करना भी पड़ा तो अर्जुन मलिक राजा सबसे पहले तुम्हारा खून करेगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम समझते हो तुमने मुझे फांस लिया है? मैं अभी जाकर सारी दुनिया से कह दूंगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा खेल क्या है। साबित कैसे करोगे? सबूत क्या है तुम्हारे पास? आज तक जो कुछ हुआ वो तुमने किया। मेरे बारे में तो किसी को शक भी नहीं हो सकता। अमित जान के तुम आए, मैं तो नहीं। स्टेशन से अमित को गायब तुमने किया। उस गरीब को तो मेरा नाम ही नहीं मालूम। अब अगर तुमने रश्मि को खत्म नहीं किया तो कल रश्मि और अमित दोनों का खून हो जाएगा। इल्जाम तुम्हारे ऊपर होगा। मुझ पर? वो याद है खंजर? खंजर जो मैं तोहफे के तौर पर लाया था और तुमने लेने से इनकार कर दिया था, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। वो खंजर आज तक मेरे ही पास है। इन्विटेशन कार्ड है, तुम्हारे घर से नागपुर गया था वहां से मेरे पास आया है। यह है बाकी के 10,000। काम पूरा करने के बाद ये तुम्हारे हैं। ऐसा लगता है कि ये शादी हो नहीं सकेगी क्योंकि लोटर वालों को जब तक बाकी के 10,000 नहीं मिलेंगे वो तो फेरे नहीं होने देंगे। फेरे नहीं होंगे तो क्या होगा तुम्हें मालूम है? तुम्हारी मां खुदकुशी कर लेगी, बहन जहर खा लेगी और तुम खून के इल्जाम में जिंदगी भर जेल की सलाखों से सर टकरा टकरा कर रोते रहो। शैतान का आज तक नाम ही सुना था, उसकी शक्ल भी देख ली। तुम खुशकिस्मत हो दोस्त, तुमने शैतान की शक्ल देख ली। बहुत से लोगों को तो ये मौका ही नहीं मिलता। खिला खत्म कर दोस्त को, खिला खत्म कर दोस्त को। ख्याल है कि काफी देर हो चुकी है, इसलिए मतलब की बात पर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। कहिए क्या कहना है। सुनो, कल सुबह ठीक 11 बजे तुम रश्मि को लेकर मानस झील पहुंच जाओ। वहां तुम दोनों के लिए एक कुश्ती पहले से तैयार होगी। नोआज आर्क। तुम दोनों उस कुश्ती में बैठकर झील में काफी दूर निकल जाना। गौर से देखोगे तो तुम्हें एक लाल रस्सी नजर आएगी, उसे खींच लेना। बस तुम्हारे हाथ का हल्का सा इशारा रश्मि की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो तैरना नहीं जानती। तेरे बगैर जाने जाना सोचता हूँ यही मैं दीवाना है। तेरे बगैर जाने जाना सोचता I'm
बगैर जाने जाना। सोचता हूँ यही मैं दीवाना के अकेला मैं जीऊंगा कैसे तेरे बगैर जाने जाना। सोचता हूँ यही मैं दीवाना। जाने जाना सोचता हूँ यही मैं दीवाना। बगैर जाने जाना सोचता हूँ यही मैं दीवाना। तेज धारा गजब है जीवन की तेज धारा। छुड़ा दे लहरें जो संग हमारा मैं तन्हा किनारे तक ओ पहुँचूंगा कैसे 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 तेरे बगैर जाने जाना। सोचता हूँ यही मैं दीवाना के अकेला मैं जीऊंगा कैसे। अमित क्या हुआ मुझे कहो तुम्हें ना जानती है। It's a lie. तुम झूठ बोलते हो। तुमने उसे बचा लिया। I saw it with my own eyes. क्या है? छोड़ो यार। क्या कर रहे हो?
प्योर। दिल में लगी हुई प्यार की आग को शराब से बुझाना चाहते हो? मत पैदा कर रहा हूं अपने आप में। खून करने के लिए देखो राजा, अगर आज तुम कोई प्लान सोच कर आए हो तो कोई प्लान लैन नहीं। राजा तुम जैसे आदमी का खून करके अपने दामन को नापाक कभी नहीं करेगा। सिर्फ पीना चाहता हूं जी भर के। चीयर्स। जिस हिसाब से पी रहे हो बर्दाश्त कर सकोगे? एक दो घूंट पीने दे यार। ला, तुम भी पियो। आज नहीं पियोगे? आज नहीं कहोगे राजा जिंदगी में पहली बार तुम शराब पी रहे हो? वक्त बर्बाद ना करो। चलो यार जश्न मना। तुम इस किस्म का जश्न मना सकोगे? क्यों? जो आदमी तुम्हारे लिए धोखा दे सकता है, प्यार का नाटक कर सकता है, शराब पी सकता है, खून कर सकता है, अपनी माँ के विश्वास को तोड़ सकता है, एक मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, क्या वो एक रात किसी बाजारी औरत के आगोश में गुजार नहीं सकता? पीकर धुत हो गया? कहाँ कहाँ गए वो? सोडा प्लीज। तुम? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अमित राय साहब? मैं अमित राय नहीं हूँ। राजा राजा चलो, आज तुमने मेरे साथ अपने आप को भी पहचान लिया। चीयर्स। तुम घर जाओ। घर? कौन सा घर राजा? अब मेरा कोई घर नहीं। याद है जिस रोज मैं आखिरी बार तुम्हारे घर आया था मैंने क्या कहा था? तुम जिस दुनिया में जा रही हो वहां की जमीन बहुत चिकनी है, एक बार फिसली तो फिसलती चली जाओगी। फिर भी तुम विक्रम के साथ चली गई। गई लेकिन उस रोज नहीं और शायद कभी ना जाती। तुम्हारे एहसास को जगाने के लिए, तुम्हें जलाने के लिए उस रोज जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ एक नाटक था।
तुम्हारा एहसास तो नहीं जागा। हाँ, मेरा घर, मेरी दुनिया जरूर जल गई। तुम क्या कर रही हो पूनम? तुमने कभी सोचा ये सब मैंने क्यों किया? कभी मुझसे मिलने की कोशिश की? मैं बेशरम की तरह दुनिया की लाज लज्जा छोड़कर तुम्हारे घर जाती रही, तुम्हारे कपड़ों में छुपाकर चिट्ठी रखाई, तुमने उसका भी जवाब नहीं दिया। चिट्ठी? छोड़ो इन बातों को, तुम अपनी कहो, तुम तो खुश हो ना राजा? खुश? बहुत बड़े आदमी बन गए हो। जानना चाहती हूँ मैं क्या बन गया हूँ पूनम। मिस्टर अमित राय? मैं अमित राय नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। राजा? पूनम, मैं अपना नाम खुलिया सब बदल चुका हूँ। मैं इतना इतना गिर चुका हूँ कि अब मुझे कोई नहीं उठा सकता। इस वक्त मैं एक इंसान नहीं, कठपुतली हूँ, कठपुतली। और मेरी डोर जिसके हाथ में जानती है उसका नाम क्या है? शैतान। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। सुनो, कल शाम घर पर कोई नहीं होगा, रश्मि अकेली रहेगी, तुम्हें उस तन्हाई का फायदा उठाना होगा। इस खंजर का एक बार जिंदगी को मौत में बदलने के लिए काफी है। ये दस्ताने, इन्हें पहनना मत भूलना, वरना फिर अपनी उंगलियों के निशान खंजर पर छोड़ दोगे। दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाना, कभी नहीं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हें बेइंतहा दुख होगा, तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुँचेगी और मेरे लिए तुम्हारे दिल में नफरत हमेशा हमेशा के लिए घर कर लेगी। रश्मि, मैं अमित नहीं, मेरा नाम राजा है। मैं एक मामूली और गरीब आदमी हूँ। जाओ,
चलो अमित, मेरे साथ फौरन चलो। अब कहाँ जाना है? ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे? और ये क्या है, यहाँ क्या मैं आजादी से रह रहा हूँ? जिद मत करो, मेरा कहना मानो, तुम्हारी जान खतरे में, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। उस रोज मलिक साहब से मिलाने के बहाने तुम मुझे यहाँ ले आए, आज जान बचाने के बहाने कहाँ ले जाने का रहता है? जाओ भाई अपना काम करो, मुझे तो आज अब कहीं नहीं जाना। अमित, मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया, मुझे भी तुम्हारी तरह फांसा गया है मेरे दोस्त। आज तक मैं जो भी कुछ करता रहा हूँ किसी मजबूरी की वजह से, और अगर नहीं करता तो तुम कत्ल कर दिए जाते, रश्मि मार दी जाती। मुझ पर यकीन करो, वरना मुझे ये सब ढूंढने जाने की क्या जरूरत थी? मेरे साथ चलो अमित, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं, ताकि अपने माथे पर लगे हुए इस बदनाम दाग को हमेशा के लिए मिटा सकूं। प्लीज अमित। जाने से पहले तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो और वो कौन है जिसे हम दोनों को फंसा है। वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम गए नहीं अब तक, यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें भागने से रोकने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि हम जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी नहीं करते, बल्कि तुम जैसे नमक हरामों को सजा देते हैं। तुम नमक खाकर खून कर सकते हो, किसी बेगुनाह की जान ले सकते हो, लेकिन नमक हरामी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी नजरों में नमक की ज्यादा कीमत है और इंसान की कीमत। इंसान की क्या कीमत है वो मैं बताता हूं। शेर सिंह, हम तुम्हारे काम से बेहद खुश हैं। ये रखो। थैंक यू। शाबाश, बहुत अच्छे। मैं आपका खादिम बोल रहा हूं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं काफी दिनों से आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। क्या कहना चाहते? कहना यह है हुजूर कि आपके पास इस वक्त कैश रुपया कितना है? Oh, shut up. Yes. देखिए, फोन बंद मत करिए, मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, वरना बाद में आपको शायद नुकसान उठाना पड़े। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। सरकार, मेरे पास आपके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं कि अगर मैं उनको पुलिस के हवाले कर दूं तो आपको जिंदगी भर जेल की हवा खानी पड़ेगी। सबूत? कैसे सबूत? सुन लीजिए। ये नफरत, धोखा, फरेब, दिस इज ऑल। मैं भी चाहता हूं तुम इसे और प्यार करो, इतना कि प्यार के मस्ती में वो डूब जाए, खो जाए, कुछ याद न रहे उसको। उसके बाद खिला तुमको दोस्त को। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। All right, stop it. लीजिए, बंद कर दिया। लेकिन इतना ही नहीं, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। क्या चाहते हो? प्यासा कुएं से क्या चाहता है? क्या कीमत लोगे? आप क्या देंगे? 50,000। लगता है बड़े सस्ते आदमी हैं आप। 1,00,000।
एक लाख में तो आजकल भेड़ बकरियों का सौदा होता है गुरु। पांच लाख। पांच लाख कहां मिलो? शर्म के मलिक मोती जुहू। इस टेप में क्या है? यूं ही चंद मामूली सी आवाजें। मामूली सी आवाजें या राजा की बेगुनाही के सबूत? ठीक कहती हो तुम। पांच लाख में तुम राजा की जिंदगी बेच रहे हो? मैं नहीं बेच रहा, राजा अर्जुन मलिक को अपनी जिंदगी बेच चुका था, मैं उसे दोबारा बेच रहा हूँ। राजा ने मजबूर होकर ये कदम उठाया होगा विक्रम। मैं भी मजबूर होकर बेच रहा हूँ। देखो पूनम, ये धंधा है, जो पैसा दे जाएगा वो टेप ले जाएगा, चाहे राजा हो या अर्जुन मलिक। विक्रम, तुम्हारे लिए राजा और अर्जुन मलिक में कोई फर्क नहीं, राजा तुम्हारा बचपन का दोस्त है। दोस्त? किसका दोस्त? राजा ने मुझे दोस्त कभी नहीं समझा, उल्टा मैं हमेशा उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा और वो अपमान करके मेरा हाथ झटकता रहा। अपमान? और तुम उस अपमान का बदला उसकी जिंदगी का सौदा करके लेना चाहते हो? तुम्हें पैसा चाहिए, राजा भले फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए तुम्हारी बला से। राजा, 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 तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है राजा से? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसान का दिल कभी नफरत का घर नहीं होता। इंसान अपनी नफरत की आग में किसी बेगुनाह को नहीं झोंकता। झूठ, झूठ बकते हो तुम। आज भी तुम राजा से प्यार करती हो? वो मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि चाहकर भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकी। जानता हूँ, तुमने मुझे। साहब, ये कार्ड। समझा, मैं भी आता हूं। अर्जुन मलिक। विक्रम, विक्रम मान जाओ, अभी भी वक्त है। विक्रम ने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। नहीं विक्रम, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं। मैं कहता हूं हट जाओ। प्लीज प्लीज हट जाओ विक्रम। आज पता चला इस दुनिया में हर शेर का सवा शेर मौजूद है। तुमने तुम्हें ये सब कैसे कैसे रिकॉर्ड कर लिया? बिल्ली दूसरे के बर्तन में मुंह डालकर दूध पीती है और आंख बंद कर लेती है अपनी, समझती है उसे कोई नहीं देख रहा, ये बिल्ली की भूल है। और जिन फोटोग्राफ्स का जिक्र तुमने टेलीफोन पे किया था वो लाओ। शौक से, आप ही की चीज है, देखिए। नेगेटिव्स कहां है? नेगेटिव्स, ये रहे नेगेटिव्स, गौर से देख लीजिए, ये सारे नेगेटिव्स इन्हीं फोटोग्राफ्स के हैं।
यही है वो आदमी जिसकी तुम्हें तलाश थी। ड्राइवर इनका पीछा करो। खत्म हो गया। टेप से दलाओ। नहीं राजा नहीं, इनमें तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है। ये टेप से मैं हरगिज हरगिज नहीं दूंगी। टेप से दलाओ। अरे आप पूनम दे दो, मैं कहता हूं दे दो। हो रहा है जिसे मैंने जिंदगी में नहीं पाया, आज आज मरते वक्त उसके कुछ काम तो आ सके। नहीं पूनम नहीं। पुलिस टेप, उस टेप में उसमें तुम्हारी बेगुनाह पूनम अमित, जहां तुम्हें आना था और तुम कहीं और पहुंचा दिए गए। अच्छा दोस्त, तुम्हारी मंजिल तो आ गई,
अब मैं अपनी मंजिल की तलाश में जा रहा हूँ। इससे पहले कि कानून मेरी तलाश में निकले, मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ। राजा, 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 चलो राजा। कहाँ? हम नहीं जाएंगे तो बहन की शादी कैसे होगी?